नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आसिया। तो चलिए, आज पूरे राज्य भर में किस तरह दुर्गोत्सव मनाया जा रहा है, महानवमी और विजयदशमी का त्यौहार किस तरह मनाया जा रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे अगले एक घंटे तक। हमारे सहयोगी अलग अलग पूजा पंडालों में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। साथ ही बिहार, जहां पर चुनाव होने हैं, वहां की राजधानी पटना की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि इस चुनावी महीने में वहां दुर्गा पूजा किस तरह मनाई जा रही है। पटना से हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से हमारे सहयोगी यानी अमृता जुड़ी हुई हैं, साथ ही दुमका से राकेश जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं बिहार की राजधानी की, पटना में चुनावी फिजा के बीच में दुर्गोत्सव की तस्वीरें दिखाइए ऋषिकेश, किस तरह वहां पर महानवमी और विजयादशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आसिया, देखिए जहां पर मैं अभी खड़ा हूँ पटन देवी, वो माता का शक्तिपीठ कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि माता के इस शक्तिपीठ से जो भी मन्नत मांगता है उसका जो मन्नत है वो पूरा होता है। पाटलिपुत्रा की ये देवी कही जाती है, रक्षिका कही जाती है, और मैं कोशिश करूंगा, मैं चूंकि यहाँ माता के दरबार में हूँ, और देखिए यहाँ पे तीन माता के दर्शन है, माँ महाकाली है, माता सरस्वती है और माता लक्ष्मी है, और आ रहे हैं आपके पास। और देखिए कि इनके बारे में बहुत सारी मान्यता है, पंडित जी यहाँ के मान्यता और जो करिश्मे हैं उनके बारे में अगर बताना है, यहाँ के मान्यताओं के बारे में। और माँ का शशि का दक्षिण जंग है, यहाँ गिरा था जो भगवान विष्णु के द्वारा 51 खंड गिराया गया था, एक खंड यहाँ गिरा जिससे माँ तीन रूप में हुई, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये नवरात्र का दिन है और नवमी तिथि है, आज जो कुछ है मांगने से माँ की मुरादें पूरी करती हैं, माँ के दिल से मांगी माँ सब कुछ पूरा करती हैं। यहाँ के हवन कुंड के बारे में कहा जाता है कि धरती जो है योनि हवन कुंड है, और इसमें जितना ही होमात किया जाता है आज के दिन वो सब आप रूपी अंदर चला जाता है, उसे कोई निकाला नहीं जाता है, ये माँ की बहुत बड़ी कृपा है। एक सवाल है कि इस तरीके की जो महामारी कोरोना जिसके बारे में कहा जा रहा है, आप लोगों ने पहली बार देखा होगा, तो उसमें क्या आप लोग एहतियात बरत रहे हैं और कितना प्रभावित हुआ है माता की? माँ के एहतियात तो बढ़ती जा रही है, यहाँ से दूरी दी जा रही है, मास्क के साथ लोगों को प्रवेश किया जा रहा है, सैनिटाइज वहाँ दिया जा रहा है, और यहाँ जितना प्रणाम की जो आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं आपके लिए भी यहाँ चूंकि माता के दरबार में हूँ और ऐसी मान्यता है, तो आपको भी कोरोना से मुक्ति दिलाए माँ, क्योंकि आप भी लगातार घूम रहे हैं, हम लोग जैसे भी घूम रहे हैं, और देखिए एक तादाद है यहाँ पे। इस मंदिर के बारे में बहुत सारे मान्यताएं हैं कि माता का शक्ति पीठ है आप, और यहाँ पे कई तरह की चीजें है। देखिए जो मेरे पीछे हवन कुंड दिख रहा है आसिया, इसके बारे में जो सामने मान्यता है, देखिए यहाँ काफी भीड़ है, जितने भी हवन कुंड यहाँ जलते हैं वो तमाम हवन कुंड के जो राख होते हैं, भस्म होते हैं, वो खुद धरती माता इसे अपने गोद में समाहित कर लेती है, ऐसी मान्यताएं हैं। और कहा जाता है कि यहाँ अलग अलग तरीके से मान्यताएं हैं, आप तस्वीर देखिए कि कैसे रात के वक्त 8 बजे भी कितने लोग यहाँ पे हवन में हिस्सा ले रहे हैं, आरती कर रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, और लगातार लंबी कतारें हैं लोगों की इस मौसम में। देखिए महिलाएं हैं काफी लंबे तादाद में, और आप कितने सालों से आ रही हैं मैडम? 15 सालों से। क्या है यहाँ के बारे में कुछ बताओ? हाँ, ये शक्ति पीठ है पटना का, इसी के नाम, यहाँ पाटला गिरा था और माँ का दक्षिण जांग गिरा था, इसीलिए स्थान को पटना कहा जाता है, पटना का पाटला मतलब वस्त्र, तो इसीलिए इसे पटनेश्वरी का मंदिर कहा जाता है, ये शक्ति पीठ में से एक है। आप कितने साल से आ रहे हैं? हम 15 साल से आ रहे हैं। भगवान से जो मांगते मिल जाता है, जो भी बोलते हैं मनोकामना पूरा हो जाता है। आप मास्क लगाए हुए हैं, लगता है कि आपको माता को ज्यादा मानती है? बहुत मानते हैं, लेकिन ये भी करेंगे तभी तो जीवित रहेंगे, तभी माता को दर्शन करेंगे ना, तो सब चीज सुरक्षित रहना जरूरी है। देखिए आसिया, ये एक तस्वीर है यहाँ की, और ये तस्वीर है देखिए कि जो कतारे हैं, जो मेरे पीछे का हवन कुंड आप देख रहे हैं, इसके बारे में मान्यताएं हैं, क्योंकि ये शक्ति पीठ है और शक्ति पीठ को लेकर के कई तरह की मान्यताएं हैं यहाँ पे, और इसी की वजह से यहाँ लंबी तादाद में, देखिए यहाँ काल रात्रि की पूजा होती है और जो भी मन्नते हैं, तो
अगर आसिया आपको भी अगर मन्नत कोई हो, आपको आपकी तरक्की हो, आपकी संपन्नता बढ़े, लोकप्रियता बढ़े, तो ये तरीके की चीज़ें हमारे जितने सहयोगी हैं, कंपनी है, ये इस तरीके की मान्यता है। पाटलिपुत्रा की रक्षिका कही जाती है। और देखिए कि जितना भी तादाद आप यहाँ देखें, उतने तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और माता के मंदिर में कितने सालों से आ रहे हैं? बहुत सालों से, लगभग 3-4 साल से। बहुत साल से आ रहे हैं, 10-12 साल से आ रहे हैं। यहाँ के बारे में मान्यता है, लोग कहते हैं कि मुरादें पूरी होती है। मुरादें पूरी तो होते हैं, बिना होते हुए तो कोई आ नहीं सकते हैं, होते हैं, बहुत से मुरादे पूरा होते हैं। कितने सालों से आ रही हैं? आज पहली बार आए। पहली बार आ रहे हैं। विशेष मन्नत लेकर? हाँ, विशेष मन्नत लेके आए। मास्क पहन के आना चाहिए, महामारी बहुत ज्यादा है। तो देखिए कि ये तस्वीर है आसिया, आपको यहाँ पे देखिए कि मंदिर को सजाया गया है। यहाँ की जो तस्वीर है, लोग अभी भी अपने माता के दरबार में आकर अपनी आराधना कर रहे हैं, क्या बच्चे क्या महिलाएं। और जो तस्वीरें आप हवन कुंड में देख रहे हैं आसिया, ये काफ़ी करिश्माई हवन कुंड है। जितने भी यहाँ राख जमा होते हैं, जितने भी यहाँ सामग्री जमा होती है, उसे धरती माँ अपने गोद में समाहित कर लेती है। ये ऐसी मान्यताएं हैं यहाँ पे। और इसीलिए देखिए कि रात के वक्त में इतने लंबे चौड़े तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पे। भैरव यहाँ की मूर्ति है, ये देखिए कि अलग अलग जगहों पे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तस्वीरों के जरिए। और ख़ास करके जो नवरात्रा का जो पहला रंग है, जो पाटलिपुत्रा में जो फीका था, वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा गुलजार दिख रहा है। लोग जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, और लोगों की तादाद देखिए। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा देखिए कि सामने शेराबाली का है, और ये जो फोटो का आइकॉनिक जगह है, यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं हवन कुंड के बगल में, और लोग अपने तरीके से यहाँ पूजा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि आसिया ये एक पटन देवी का रंग है, वो पटन देवी जिसे शक्तिपीठ कहा जाता है, और शक्तिपीठ में भी जिसके बारे में मान्यताएँ हैं, मान्यताएँ इस तरीके की कि जो भी आपकी मुरादें हों वो पूरी होती है। शायद नवरात्रा के वक्त में ये ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पे रंगों से सरोवर है, भक्त आस्था महामारी पर भारी है। और ये देखिए कितना सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ 10 साल से आ रहे हैं, जब से शादी हुआ है हम लोग यहाँ जरूर आ रहे हैं। क्या है यहाँ के बारे में, क्यों आस्था का क्या कारण है? आस्था का ये अटूट विश्वास है कि यहाँ जो भी मांगे हैं माँ से पूरा हुआ है, और आगे भी हम यहाँ आते रहेंगे। तरीके की महामारी पहली बार आई है, इस महामारी को कैसे देख रही हैं, जब इस परिस्थिति में जब त्यौहार मनाना जरूरी है, अपनी उपासना करनी जरूरी है? ये त्यौहार अपने जगह है, इसको आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह लगा के आप मना सकते हैं। माता से मांगे कि सब अच्छा हो जाए, है ना, ये महामारी जल्द ही मिट जाए, बस इसी के साथ। तो आसिया देखिए ये तस्वीर है पटन देवी मंदिर का, और यहाँ के रंग को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं हैं धार्मिक, चूँकि शक्ति पीठ है, केंद्र है, जो शक्ति के 70 अलग अलग जगहों पे जो पीठ है, यहाँ दाहिना जंघा माता का गिरा था, और उसके बाद से यहाँ कालरात्रि की पूजा होती है। अष्टमी के दिन इस कालरात्रि का एक बड़ा महत्व है। अगर आप रात के वक्त में कालरात्रि की पूजा के बाद जो पहला आरती या उसकी आराधना करते हैं तो मनोवांछित फल मिलते हैं, ऐसा इस तरीके की मान्यताएँ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये पाटलिपुत्रा की नगर रक्षिका हैं, और यहाँ के रंग को लेकर के आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इस दशहरे के मौसम में जब कोरोना ने सभी रंगों को फीका कर दिया है, यहाँ माता के दर्शन में वो तमाम बैरियर टूटे हैं, तमाम जो महामारी को लेकर आशंकाएं हैं वो खत्म है। कुछ लोग अवेयर भी हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं। रावण दहन हो रहा, उसकी परवाह नहीं है, बच्चे बूढ़े महिलाएँ सब लोग आ रहे हैं, अपने माता की आराधना कर रहे हैं, और अपने मनोवांछित मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो भी कोशिश हो सकती है आस्था के फूल चढ़ा रहे हैं। चलिए ऋषिकेश लौटेंगे आपके पास, कुछ और तस्वीरें तब दिखाएगा ऋषिकेश। उस वक्त हमारे साथ दुमका से राकेश जुड़े हुए हैं, राकेश का रुख करते हैं। राकेश, दुमका में भी एक हफ्ते के बाद इलेक्शन होना है, इस चुनावी फिजा में वहां की दुर्गा पूजा आपको कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल आसिया, देखिए वो भव्यता तो नहीं है, जाहिर सी बात है कि ये कोरोना का काल है, कोरोना संकट है, इस वजह से
वैसी भव्यता जो आमतौर पर दुर्गा पूजा के दौरान देखने को मिलती है वो नजारा नहीं है, लेकिन लोगों में उत्साह जबरदस्त है इस पूजा को लेकर, इस उत्सव को लेकर। और चूंकि आज नौवीं और दसवीं एक साथ है तो लोगों का भीड़ पंडालों तक पहुंच रहा है, मां के आशीर्वाद को लेकर लोग जो है वो घरों से निकलकर पहुंच रहे हैं। कोरोना जरूर अपनी जगह है, लेकिन आस्था कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा हो जाती है। और यही वजह है कि आपको पंडालों में श्रद्धालु जो है, जो लोग हैं वो मां के आशीर्वाद को लेकर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और ये दुमका का ये जो जगह है जहाँ मौजूद है, यहाँ सबसे ज्यादा कहा जाता है कि क्राउड होता है। हम सुशील जो हमारे कैमरा मैन उनसे चाहेंगे कि वो तस्वीरों के माध्यम से जरा दिखाए इस जगह को। और देखिए आसिया, कहीं ना कहीं लोग जो है वो मास्क लगा के जरूर पहुंचे हैं। कल भी हम यहाँ मौजूद थे आसिया, लेकिन कल का जो नजारा था, जो तस्वीर कल की थी, उसमें कहीं ना कहीं आज थोड़ी परिवर्तन नजर आ रही है। ज्यादातर लोग जो है वो मास्क के साथ, फेस कवर के साथ पहुंच रहे हैं। और जो गाइडलाइन प्रोटोकॉल और प्रिकॉशन कोरोना को लेकर राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं, उसका कहीं ना कहीं पंडालों में पालन हो रहा है। हालांकि बहुत सख्ती नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि इस तरह के आयोजन में जहां मास लेवल पर क्राउड जुड़ता है, तो आप बहुत सख्ती नहीं कर सकते हैं। मसला जब आपका होता है तो बहुत सख्ती नहीं होती है। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने भी कई तरह के छूट दिए हैं। पहले ये कहा गया था कि लाउडस्पीकर से प्रचार नहीं होगा, लेकिन लाउडस्पीकर की अनुमति दे दी गई। उस पर ये कहा गया था पहले कि 15 सिर्फ 7 लोग जो पूजा समिति से जुड़े हुए लोग हैं वही पूजा पंडालों में रहेंगे, लेकिन बाद में वो भी राज्य सरकार ने संशोधित किया और 15 लोगों की अनुमति दी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आस्था कहीं ना कहीं कोरोना पर भारी है और लोग घरों से निकलकर मां के दर्शन के लिए पूजा पंडालों तक पहुंच रहे हैं, मां का दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि ये जो संकट की घड़ी है ये जल्द से जल्द दूर हो जाए। और इसको लेकर तमाम तरह के जो लोग हैं, जो पूजा समिति के जो लोग हैं, वो हर तरीके से प्रिकॉशन मेजर करने की कोशिश अपने आप से कर रहे हैं। लोगों से ये अपील किया जा रहा है कि जब आप पंडालों में प्रवेश करें, जब आप मां के दर्शन के लिए पहुंचे, तो फेस कवर लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। लेकिन ये पूजा का समय होता है इसलिए बहुत सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर नहीं आएगा आसिया। और जहां तक फेस कवर की बात है तो लोग थोड़े बहुत जरूर फेस कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर अगर आप यहां देखें तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल दिनों की तरह ही आपको यहां नजर आएंगे। आपके फेस कवर उन पर नहीं है, किसी तरह का मास्क नहीं है। शायद उनको लगता है कि मां की कृपा उन पर विशेष है और कोरोना कहीं ना कहीं उनसे दूर रहेगा। लेकिन लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए आसिया। हम लगातार न्यूज 11 के माध्यम से तमाम वैसे लोग जो पूजा पंडालों तक आ रहे हैं मां के दर्शन के लिए, उनसे यही अपील कर रहे हैं कि आप जरूर मां के दर्शन के लिए आइए, जरूर आशीर्वाद लीजिए, लेकिन कुछ प्रिकॉशन जरूर मेजर कीजिए। आप कम से कम फेस कवर जरूर लगा के आइए। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फेस कवर जरूर लगा के आइए। तो इस तरह की कोशिशें लगातार हम भी अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, पूजा समिति भी अपने स्तर से कर रही है, जिला प्रशासन भी अपने स्तर से कर रहा है। लेकिन फिर वही बात आसिया कि मसला आस्था का है, तो कोरोना का जो संकट है वो पीछे छूट जाता है और आस्था कहीं ना कहीं बड़ी हो जाती है। लोगों को लगता है कि मां सब कुछ ठीक हो जाएगी और इसी उम्मीद के साथ लोग अपने घरों से इस संकट के वक्त भी मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि ये जो वैश्विक संकट आया है ये जल्द से जल्द दूर हो जाए। चलिए राकेश, लौटेंगे आपके पास जमशेदपुर का रुख करते हैं। अनी अमृता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनी, जमशेदपुर की जनता काफी डिसिप्लिन वे में पहुंच रही है पंडालों में और सभी फेस कवर किए हुए, मास्क सभी के पास है, यानी प्रॉपर तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो हो रहा है यहां पर तमाम पंडालों में। तुरंत जो है समिति के लोग आकर उसको कंट्रोल करते हैं और फिर भीतर में जो है लोगों की संख्या को कम कर दी जाती है। कुछ देर पहले यहाँ पर आरती जब हो रही थी तो थोड़ी भीड़ बढ़ी थी, कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर उसको कंट्रोल कर लिया गया। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है और देखिए फिर वही नियम कानून के तहत पर्दा लगा दिया गया, यहाँ व्हाइट सफेद पर्दा यहाँ लगा हुआ है मूर्ति के सामने, जैसा कि यहाँ पर जिला प्रशासन का फरमान था, लोगों ने उसको पूरा किया है। हालांकि इसकी वजह से थोड़ी ज्यादा उत्सुकता लोगों में आ जाती है मूर्ति को देखने की, तो इसके नहीं रहने से ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चूंकि ये नियम बनाया गया
तो पूजा कमेटी ने इसको सहयोग किया है और इसका पालन भी कर रहे हैं। इस जगह पर आमतौर पे मेला लगा करता था, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो घूम रहे हैं, परेशान है, उनको लग रहा है मेला क्यों नहीं है, कई सारे बच्चे अपने गार्जियन के साथ घूम रहे हैं। बेटा इधर आइए, इधर आप लोग पहले भी यहाँ घूमे? हाँ, पर कुछ मिसिंग लग रहा है। हाँ, हम लोगों का यहाँ पे पहले भोग होता था और हम लोगों का स्टॉल लगता था यहाँ पे, और फिर ऐसा नहीं होता, बड़ा पंडाल लगता था यहाँ पे। तो पता ही होगा क्यों ऐसा हुआ। हाँ, कोरोना है इसलिए। समझ में आ रहा है, अब आप तो बच्ची हैं, कोरोना कितना खतरनाक है। हाँ, तो ये सही है कि इस तरह से पूजा हो रही है। हाँ, देखिए बच्चे भी जागरूक हैं, वो समझ रहे हैं, वो भी अपने मन को मार कर घूम रहे हैं, कुछ उनको मिल नहीं रहा है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि कोरोना है तो ऐसे ही चलेगा और इसी तरह की व्यवस्था रहेगी। तो मैदान में चारों तरफ जगह काफी है, तो लोग बैठे हैं अलग अलग जगहों पर, पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं जो हालात पर नजर रखे हैं कि जैसे ही पंडाल के पास भीड़ बढ़ती है उसको फिर कंट्रोल किया जाता है। तो इसी तरह से और बता दूं कि यहाँ पर मणिमेला मैदान में दरअसल बहुत अच्छी और काफी भव्य तरीके से आरती हुआ करती थी, इस बार भी जो आरती उसी तरह से हुई है, लेकिन जो भव्यता है वो वैसी नहीं रखी गई है। काफी देर तक अच्छी तरीके से यहाँ पे आरती होती है, लेकिन जो कोरोना गाइडलाइंस है उसके तहत बहुत सारी चीजों पे पाबंदी है, भोग वितरण नहीं है, या आरती का जो है उसको लेकर भी बाहर आकर आपको वो सिक्के के साथ आरती का वो जो हवन है उसको आप नहीं ले सकते, तो इस तरह की प्रक्रियाओं का पालन किया गया। बहुत सारे बच्चे यहाँ आ गए ये समझ कर कि यहाँ मेला लगा होगा, और वो अपने जो है माता पिता से अर्ज कर रहे हैं कि नहीं हमें मेला घुमाइए। हम लोगों ने सुना कई सारे ऐसे बच्चे, और उनको फिर माता पिता आके दिखा रहे हैं यहाँ पे कि इस बार मेला नहीं है, तो इस तरह का माहौल है। और नवमी है, अब तो दशमी भी चढ़ गया है, जैसे कि जो जानकार बता रहे हैं कि नवमी खत्म हो चुका है, दशमी का प्रवेश हो चुका है और कल माँ को विदाई दे दी जाएगी। आज पूजा समिति के लोग ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, अगर भीड़ हो रही है तो वो उसी तरह इस भीड़ को नियंत्रित भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय लाल भी जुड़े हुए रांची से। अजय लाल का रुख करते हैं, अजय इस वक्त आप किस पंडाल में हैं और वहां पर किस तरह कोरोना को लेकर व्यवस्था नजर आ रही है या भक्तों की भीड़ है? नहीं, कहां पर है तुम? अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंचवटी दुर्गा पूजा समिति रांची ध्रुवा में, जहाँ पर देखेंगे तमाम आयोजक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने सहयोगी कौशल नारायण से माँ भगवती की वो अलौकिक चेहरा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि माँ भगवती की अलौकिक चेहरा आप देखेंगे। माँ लगातार लोगों को आशीष बांट रही है और इसका इंतजार पूरे साल भर होता है। भक्तों को भी उम्मीद रहती है कि माँ के दरबार से वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तमाम आयोजकों से मैं कहूंगा कि एक बार जय माता दी की जयकारा लगा दे। जय माता दी, जय माता दी। तमाम लोग देखेंगे ये तमाम माता के जयकारा लगा रहे हैं, तमाम भक्त भी मौजूद हैं। कुछ भक्तों को मैं कैमरे में लाने की कोशिश करूंगा कि कैसा पूरा का पूरा पूजा को लेकर इस बार क्या महसूस कर पा रहे हैं। जी, पूजा तो इस बार ठीक है, पर ठीक है, छोटा हुआ है, कोरोना के चलते ये सब हो रहा है भैया, पर अच्छा है। पूजा जो भी है आप तो देख रहे हैं, सामने ही है, आस्था में कभी नहीं, आस्था में कोई कमी नहीं है। आप भीड़ में कमी नहीं, हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से जो जहां पर मौजूद हैं, तमाम लोग कोशिश ये कर रहे हैं। तमाम से मैं उम्मीद करूंगा एक बार माता की जयकारा लगा दे, एक बार तमाम लोग जय माता दी, जय माता दी। देखेंगे तमाम हाथ में कैमरा मोबाइल और माता भगवती की तस्वीर उतारने की कोशिश, छोटे छोटे बच्चे। माता जी क्या कहेंगी? जय माता दी बोल दीजिए। जय माता जी, जय माता दी। देखेंगे तमाम पूरी तरह से पंचवटी दुर्गा पूजा समिति ध्रुवा में, कहा यह जाता है कि राजधानी रांची से सटे ध्रुवा के इस इलाके में माता भगवती पूरी तैयारी के साथ आते हैं। मैं इस पूजा पंडाल के जो मुख्य आयोजक हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? जी, धर्मेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, इस बार जो पूजा हो रहा है क्या कुछ लग रहा है? कभी लगा था कि मन में कि कैसे पूजा होगा, लेकिन अब सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ है। जी, शुरू में तो लगा कि एकदम पूजा ही नहीं होगा। हाँ। और धीरे धीरे जो गाइडलाइन सरकार की आई तो लगा कि थोड़ा होगा, उसी के अनुसार हम लोग पूजा सब सारे संपन्न किए। और एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस माता भगवती के पूजा पंडाल के पास
जहां पर तमाम लोग माता के दरबार में एक बहन अपने छोटे बच्चे को दूध पीता बच्चे को लेकर आई हैं। मैं उनसे जरूर कोशिश करूंगा कि वो उनसे मैं बात कर पाऊं। अभी माता से वो आशीष ले रही हैं। यही वो आस्था है, यही वो श्रद्धा है जिसका इंतजार तमाम लोग करते हैं। हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अपने परिवार के साथ तमाम लोग आए हैं और पूजा पंडाल से आने के बाद कहा जाता है कि माता के दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। जो आपके मन में मनौती है, बहन जी थोड़ा सा आ जाएंगे, देखेंगे। मैं इन्हीं की चर्चा कर रहा था कि दूध पीता बच्चा, माँ इसे आशीष प्रदान करेंगी। बहन जी क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगे बच्चा को लेकर भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए? बिल्कुल। छोटा कितने माह का बच्चा है? दो महीना हुआ है। बच्चा है, बच्ची है? बच्चा है। बच्चा, देखेंगे माँ का आशीष इस बच्चे को जरूर मिलेगा। माता के दरबार में लेकर आई है तमाम अपने परिवार के साथ। थोड़ी कुछ कमी भी महसूस हो रही है क्या? नहीं, कोई कमी नहीं। देखिए यही आस्था है। कोरोना काल में माता के प्रति भक्ति और तमाम चेहरे को मैं कहूंगा कैमरे में आ जाए वो, और माता का जयकारा एक बार फिर से लगा दे। माता की जय, माता की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। बिल्कुल, दुर्गा माता की। तमाम भक्त जहां जहां मौजूद हैं वहीं से बोल दे दुर्गा माता की जय, माता दी बोलिए, जय माता दी, 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 जय माता दी। तो ये आस्था का सैलाब, जैसा कि मैंने कहा था कि आज सब्र का बांध टूट गया है भक्तों का। तमाम तरह के चीजें थी, लेकिन आज क्योंकि माँ कल विदा हो जाएंगी इस पृथ्वी लोक से, अपने धाम को चली जाएंगी। पूरे 9 दिनों तक माता भगवती पृथ्वी लोक पर, यानी कि अपने मायके में रही और लोगों को आशीष देने के बाद कल माँ विदा हो जाएंगी। लिहाजा तमाम भक्त क्या कहना चाहेंगे, देखेंगे ये आस्था है, क्या कहना चाहेंगे? परिवार के साथ आए थे, हंसी देकर आप समझ सकती हैं कि लोगों में उल्लास है, लोगों में उत्साह है। बेशक कोविड को लेकर थोड़ी परेशानी बेशक हुई थी, लेकिन भक्तों को पूजा पंडाल के पास जब माता भी खिलखिलाती हुई देखती होंगी तो माता को भी लगता होगा कि उनका पृथ्वी पर आना पूरी तरह से सफल रहा। तमाम भक्त जैसे ही वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो ये कहा यह जाता है कि आश्विन के महीने में, बिल्कुल क्या कहना चाहोगे? तमाम तैयारी के साथ आई हो तुम लोग, मतलब क्या बोलना है? दुर्गा पूजा का कितना इंतजार होता है, इस बार क्या मिसिंग था? इस बार पहले जैसा मतलब भीड़ नहीं है, मतलब पहले जैसा डेकोरेशंस और जो मतलब जितनी भी तैयारी होती वैसे नहीं है सब। पानी पूरी खाई कि नहीं? ना, पानी पूरी नहीं चला इस बार। इस बार पानी पूरी का बाजार थोड़ा मंद रहा है आसिया, कोविड की वजह से तमाम लोगों ने प्रिकॉशन बरता है कि घर का खाना ज्यादा खाया जाए, बाजारू चीज से परहेज किया जाए, लेकिन मिसिंग तो है पानी पूरी। हाँ, मिसिंग तो है, पर हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जय माता दी बोलो, जय माता दी। देखेंगे उत्साह है, आ जाइए प्लीज। देखेंगे जय माता दी का ये जयकारा, तमाम जो पूरा का पूरा मैदान इस पंचवटी दुर्गा पूजा समिति धुरवा के पास, कैमरा पैन जहाँ जहाँ हमारे सहयोगी करेंगे, वही आस्था, वही उल्लास तमाम भक्तों के चेहरे पर। तमाम लोग जय माता, तो ये। और यहाँ पर हमारे पीछे प्रसाद वितरण हो रहा है माँ का, ये प्रसाद का भोग तमाम लोग अपने अपने घर ले जा रहे हैं। तो ये दुर्गा पूजा का वो आस्था है, वो सैलाब है भक्तों का आसिया, जिसके बारे में थोड़ा सा समस्या जरूर थी कि कैसे क्या कुछ होगा, लेकिन माता भगवती जब धरती पर आई, पृथ्वी लोक पर आई, तो तमाम चीजें वो अपने हाथ में ले लेती हैं। पूरे सृष्टि का कंट्रोल माता के हाथों पर जाता है, और कामना सिर्फ यही है कि माता जब अगले साल आएंगी तो पूरे उत्साह के साथ आएंगी, गाजे बाजे के साथ आएंगी, यही मनौती तमाम लोगों ने माना होगा संभवतः। जी, पंचवटी दुर्गा पूजा समिति जो है कि झारखंड सरकार का दिशा निर्देश जो है, इसके चलते
इस बार पूजा जो है थोड़ा फीका हो गया और सारे सदस्य जो चाहें कि किसी भी प्रकार का किसी भी भक्त को कठिनाई ना हो इसके लिए बीच बीच में वो लोग अपना दिशा निर्देश तो ठीक है मनौती के अगले साल जब माँ आएंगी तो उल्लास के साथ धाम से पूरे इसके 10 गुना ज्यादा बृहद पैमाने से धूमधाम से मनाया जाएगा जो कि इस बार जी भक्त को जो कमी महसूस हुआ वो आगे साल पूरा होता है। और एक दीदी आई है कैमरे में खुद बोलने के लिए, क्या कहना चाहेंगे दीदी? कहना चाह रही है इस बार कोरोना की इस पर इतना बढ़िया पूजा हुआ है, भगवान करे प्रसाद और इससे भी अच्छा हो, बस यही कहेंगे हम लोगों की मनोकामना पूरा हो बस। और बस इससे बढ़कर सब खुशी से रहे, कामना है। और तमाम लोग सेल्फी में माँ को कैद कर रहे हैं और यही आस्था है। बिल्कुल आप आइए, उसमें भाग गई थी बात करते करते, क्या कहना चाहोगे? हमको कुछ मतलब क्या बोले, कुछ कमी तो है लेकिन मतलब माता के प्रति कितना इंतजार होता है पूरे साल भर, बहुत इंतजार होता है पर इस बार उतना मजा नहीं आया। लेकिन एक लापरवाही है, मास्क रखा है ना अपने पास? अगर मास्क मतलब कि फैशन कैसे दिखेगा अगर मास्क पहन लेंगे तो? एक समस्या आ रही आसिया, जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं खासकर युवा वर्ग के लोग, कहने की मास्क होगा तो फैशन कैसे दिखेगा? जाहिर सी बात है माता लक्ष्मी भी जब सुदामा ने तपस्या किया था द्वापर युग में, तो जब माता खुश होकर सुदामा की पत्नी के पास आई थी तो उन्होंने चीर यौवना का वरदान दिया था सुदामा की पत्नी वसुंधरा को और कहा था कि तुम हमेशा रूपवती रहोगी जब तक तुम्हारी जीवन होगा। और रूपवती का मतलब यह है कि माता उन तमाम स्त्रियों को सौभाग्यवती बनाती है। ऐसे ऐसे देखेंगे एक अद्भुत तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितनी अच्छी तस्वीर है ये, कितना बड़ा उत्साह है। देखेंगे छोटा बच्चा अपनी दादी के साथ इस पूजा पंडाल में आया है, मेरी यही कामना है कि हे माता इस युवा को तुम 100 साल की आयु प्रदान करना, क्या कहना चाहेंगी? बोल, 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 कहना। क्या नाम रखा इसका? इसका नाम है की नाम छे नाम कहे जो? मान्या जा। अभी ऐसे ही प्यार से बोल रही होंगी आप लोग। हाँ, इसका अच्छा क्या कितने बच्चे महीने का है ये? 3 और मेरी बहन है। 3 बहन है, बच्ची है। देखिए आज ऐसे ही कन्याओं का पूजन हुआ है, ये बच्ची है। कहा जाता है कि माँ के स्वरूप में तमाम नारी की इज्जत नारी की प्रतिष्ठा शामिल होती है, लिहाजा एक बार जयकारा कर दीजिए आप लोग। जय माता दी। थोड़ी दूरी बनाकर जय माता दी एक बार फिर से। जय माता दी, जय माता दी। और ये आसिया दुर्गा पूजा समिति पंचवर्ती दुर्गा पूजा समिति धुरवा के पास का नजारा, और कहा जाता है कि पूरी रांची घूम कर आप जैसे ही यहाँ आएंगे आपके शरीर की थकान खत्म हो जाती है। और ये कितने सालों की परंपरा है यहाँ पूजा पंडाल के मुख्य आयोजक मिश्रा जी से, मैं कितने सालों की परंपरा यहाँ की? 67 ईयर्स हो गया, 67 साल हो गए। 68 साल में जी आप लोग एंट्री किए हैं, तो ये अच्छी बात है। पूजा समिति के लोगों ने एक जो चीजें तमाम जितने भी सदस्य हैं अपने सहयोग से चंदा इकट्ठा करके इस बार पूजा हो रहा है, कहीं मोहल्ले में कहीं भी किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं हुआ, जिसने स्वेच्छा से कुछ देना हुआ वो जरूर दिए। और इसी आस्था इसी कामना के साथ देखेंगे पूरी तरह से सेल्फी मोड हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से, यही वो उत्साह दुर्गा पूजा में अक्सर देखने को मिलता है। और एक बार फिर से कम 3-4-5 दिनों तक धैर्य रखने के बाद तमाम भक्त आज पूजा पंडालों के पास खींचे चले आए, और आज माँ से यही कामना कि हे माँ कुछ गलती हुई है हम इंसानों से तो उसे आप माफ करेंगे, और महिषासुर नहीं बल्कि कोरोना सुर का भी आप वध करेंगे। और चलिए इस बार लोग यही कामना के साथ पहुंच रहे हैं पंडाल जलाल की, कोरोना को खत्म करे भगवान माँ, कोरोना को खत्म करे ताकि लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी फिर से पहले वाली जिंदगी जी सके जो एक ब्रेक लग गया है जिंदगी में। चलिए लौटेंगे और फिर से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप हमारे साथ मना रहे हैं दुर्गोत्सव और हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको कि किस तरह लोग दुर्गोत्सव मना रहे हैं। मां की आराधना में लीन है। आज महानवमी और विजयादशमी दोनों ही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं इस वक्त पटना का। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, आप पटन देवी मंदिर में मौजूद थे और काफी मान्यता है इस मंदिर में, शक्ति पीठ है, यहाँ पर काफी भीड़ श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। शायद जो कोरोना के गाइडलाइंस है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। श्रद्धालुओं के पास आप जाइए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए इस उत्साह के बारे में। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या ऋषिकेश आवाज मिल पा रही है आपको? ऋषिकेश आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ऋषिकेश, आप पटन देवी मंदिर में मौजूद हैं, काफी मान्यता है इस मंदिर की और पहले आपने दिखाया भी कि किस तरह यहाँ पर भक्तों की भीड़ है। कुछ लोगों के पास और जाने की कोशिश कीजिए और फर्क वो बता पाए इस बार की दुर्गा पूजा और पिछली बार की दुर्गा पूजा में, क्या मन्नतें वो मांग रहे हैं इस बार? देखिए, हमारे साथ स्थानीय निवासी हैं पंकज जी। यहाँ काफी बरसों से बचपन बीता है और इसी पटना सिटी में रहते हैं। आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? यहाँ करीब 25 वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, बचपन से ही आ रहा हूँ लगातार। हर बार के मुकाबले इस बार का जो दुर्गा पूजा है, नवरात्रि में जो माता की आराधना है, पूजा की पद्धति है, उसमें क्या क्या बदलाव आपने देखा है और किस तरीके से मन्नतें भी अब लोगों की बदल गई? कोरोना काल में आप देख रहे हैं जिस तरह से आप यहाँ खड़े होकर लाइव कर रहे हैं, कोरोना काल में है तो ये आप कर पा रहे हैं, वरना अष्टमी नवमी को तो यहाँ लंबी लंबी 2 किलोमीटर लाइन लगी होती थी। रोड पर से ही लोगों को प्रशासन की व्यवस्था होती थी और लोग एक एक कर आते थे। ये तो कोरोना काल में है कि लोग भी थोड़ा डरे हुए हैं, फिर भी डरने के बाद भी लोग, आस्था तो है ही यहाँ के लोगों में, वो आस्था के तहत ही यहाँ लोग आ रहे हैं। और हम लोग तो बगल में घर ही है तो हम लोगों तो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो भी मान्यता मानते हैं लोग बोलते हैं, बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, मान्यता आते हैं और जो मांगते हैं मन्नतें वहाँ की पूरी होती है। कि लोगों की मन्नतें बदल गई आसिया क्योंकि बाजार पर असर पड़ा है, लेकिन फिर भी भगवान के पास मांगने वालों की कमी नहीं है, तो पहले और अब के मन्नतों में कुछ फर्क आया है कारोबार के तौर पर, हेल्थ को लेकर के, आध्यात्म के तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना काल में तो लोगों को और आस्था बढ़ गई भगवान के प्रति। लोग सोच रहे हैं कि इंसान भगवान इंसान से तो बहुत देख ही रहे हैं स्थिति क्या है, ना वैक्सीन है ना कुछ व्यवस्था है, बिहार तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। हम लोग की आस्था है कि माँ पटनेश्वरी हम लोग पटना वासियों बिहार वासियों को कोरोना से मुक्ति दिलाए और जल्द से जल्द इस महामारी से हम लोग उभरे और क्या कर सकते हैं इस विषय को लेकर। बट ये बात देखने में मिलेगा कि कोरोना काल में लोगों का आस्था बढ़ी है पहले की अपेक्षा। लोगों का जो आस्था है घर में पूजा कर रहे हैं लोग, हम लोग तो घर में पूजा किए इस बार, फिर भी इस बार मौका निकाल कर आना पड़ा क्योंकि हम लोगों को तो घर बगल में है, आना पड़ता है लेके। और लोग अभी भी लोग आ ही रहे हैं, रात भर चलता रहेगा ये हुजूम यहाँ पर लोगों का। आसिया देखिए वही तस्वीर है कि अभी भी देखिए लोगों का जो सिलसिला है आने का वो कितना बड़ा है। यहाँ पे देखिए कि लोग अपने तरीके से मन्नतें मांग रहे हैं, हवन कुंड है, अभी भी माता का जो तीन मूर्तियां हैं यहाँ, जो तीन देवियां हैं, महाकाली हैं, माँ सरस्वती है, महालक्ष्मी है, तीनों की पूजा आराधना है और बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, क्या मांगे भैया कोरोना के दौर में, मास्क तो लगा लो यार। भगवान से बाले बच्चे सब खुश रहे, आबाद रहे, बस और भगवान से क्या मांगिएगा। ये देखिए महिलाओं की तादाद बहुत है आसिया यहाँ पे, जिस हवन कुंड के बारे में मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ वो हवन कुंड ये देखिए कि किस तरीके से प्रज्वलित है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने आस्था को प्रवान चला रहे हैं। हालांकि जो कोरोना का दौर है उस वक्त में ये जो मंदिरों का जो आस्था का स्वरूप है वो भी बदला हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए कि लोग यहाँ आते हैं। ये जो बड़ा हवन कुंड है जो माता के बाहर का और इसके बारे में जो मान्यताएं हैं कि जो इसकी राख सामग्री है वो अंदर चली जाती है खुद ब खुद, ये और यहाँ पे अपने तरीके की मान्यताएं हैं, बलि की परंपरा यहाँ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कोशिशें हैं इस नवरात्र के दौर में। और यहाँ पे
देखिए कि खास करके ये देखिए कि जो लंबी तादाद है माता रानी के जो दरबार में, कुल मिलाकर इस नवरात्रि में भले ही कोरोना का दौर चालू हो लेकिन अभी भी आस्था उस पर हावी है खास करके। और चाहे वो जो हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग हो या अन्य चीज़ें हो, वो काफ़ी दिक्कतें हो रही है, लेकिन आस्था के लोगों का जो सिलसिला है, जो आस्था का जो अटूट गठबंधन है, वो बरकरार है। और इसी की वजह से यहाँ कहा जा रहा है कि इस माता रानी के दरबार में देर रात को भी एक अपने तरीके का एक उमंग है, उत्साह है, मेला है, जो अन्य सड़कों पर नहीं देखा जा रहा है। मूर्तियां सड़कों पर से गायब है, डीजे गायब है, रावण दहन गायब है, नहीं तो नवरात्रि और विजयादशमी के वक्त में, अष्टमी के वक्त में जहां जिस परिसर में वहां से आप ठीक तरीके से लाइव तो करना दूर बात, खड़े भी नहीं हो सकते थे। लेकिन कोरोना के इस दौर में अभी भी लोग अगर सड़कों से निकल रहे हैं, इस मंदिरों तक आ रहे हैं, अपने आस्था को प्रवान चला रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वजह एक है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन आस्था सब पर भारी है। चलिए ऋषिकेश, लौटेंगे आपके पास। आस्था सब पर भारी है और इस उम्मीद के साथ लोग मां के दरबार पर पहुंच रहे हैं कि कोरोना को भगवान खत्म करे, मां खत्म करे। चलिए धनबाद का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, कोल नगरी में, कोयला नगरी में किस तरह दुर्गा पूजा मनाई जा रही है? आसिया, सबसे पहले तो बता दें कि धनबाद कोयलांचल में, जो कि काले हीरे की नगरी कही जाती है, यहाँ पर नवमी के अवसर पर माता के नौवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की गई है आज यहाँ पर। और कुछ समय के बाद माँ की जो विदाई है, विदाई का जो सिलसिला है आज, कल इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। और धनबाद में चूंकि बंगला कल्चर काफ़ी प्रभावित होता है, यहाँ पर बंगला संस्कृति के हिसाब से महिलाएं सिंदूर खेला में शामिल होती हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कई पूजा कमेटियों के द्वारा सिंदूर खेला का आयोजन नहीं कराया जाएगा। तो सीधे जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे हम सबसे पहले बात करते हैं। बताइए सर, आप लोगों ने इस कोरोना संक्रमण काल में किस तरह से पूजा का आयोजन कराया है और कितनी मशक्कत करनी पड़ी आप लोगों को? इस वर्ष हमारे सरकार ने जो जो भी गाइडलाइंस हमको दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगवाना, अपील करना लोगों को, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सबका दर्शन कराना, कराते हुए हम लोग पूजा को संपन्न करवा रहे हैं। और इसके लिए हम लोग कमेटी के जितने सारे लोग हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब इसमें जी जान से लगे हुए हैं, और उन सरकार का गाइडलाइंस का हम लोग पालन करवाते हुए हम लोग पूजा। पवन जी, आप बताइए किस तरह से, चूँकि एक ऐतिहासिक जगह है स्टीलगेट जहाँ पर कि भव्य आराधना होती है माँ की, लेकिन इस बार भव्य आराधना नहीं होने के बावजूद लोगों की भीड़ गजब की उमड़ रही है और लोगों में ऐसा लग रहा है कि कोरोना पर आस्था जो है हावी हो रही है। देखिए, एक्चुअली ये तो निश्चित है कि स्टीलगेट के नाम पे ही एक बहुत अच्छा संवाद लोगों के बीच गया हुआ है कि स्टीलगेट में कुछ यूनिक हर साल होता है। इस साल भी लग रहा है कि उन लोगों को यूनिक ही फील हो रहा है, क्योंकि कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है, लोगों का भीड़ भी है। और सरकार इस बार का पूजा सेलिब्रेशन हम लोग एक मंत्र में कर रहे हैं कि जान है तो जहान है, इस साल बचेंगे तो अगला साल भव्य से मनाएंगे। बिल्कुल, जान है तो जहान है। सर, आप बताइए, मेले का आयोजन नहीं हुआ, जो आ रहे हैं श्रद्धालु उनमें कितनी मायूसी देखने को मिल रही है? मायूसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन हम लोग कोरोना संक्रमण देखते हुए बहुत प्रयास कर रहे हैं कि भीड़ नहीं हो, जल्दी जल्दी लोग चले जाएं। माइक से अनाउंस कर रहे हैं कि आप देखिए माँ का दर्शन करते हुए चले जाइए। आसिया, हम कुछ एक अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दर्शकों के तरफ, खासकर जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं उनके तरफ एक बार रुख करें। और ये जो श्रद्धालु हैं कहीं ना कहीं माता के दरबार में इसलिए पहुँचे हैं कि उनके अंदर इस बात की सोच थी कि हो सकता है कि स्टील गेट में इस बार कुछ नया होगा, कुछ नया किया जाया गया होगा, तो कहीं ना कहीं सीधे हम श्रद्धालुओं से रूबरू होते हैं। आप लोग परेशान मत कीजिए, इनको परेशान मत कीजिए, बात करने दीजिए। आप बताइए कि यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत दुखद लग रहा है, इस टाइप का यहाँ पर जो हम लोग ये विशाल, बहुत बड़ा यहाँ विशाल, बहुत बड़ा विशाल प्लांट लगी थी, लगता था पंडाल होता था, इस बार ऐसा, इस बार ऐसा लग रहा, बहुत दुखद लग रहा है, बहुत दुख का करना पड़ रहा है हम लोग का।
बिल्कुल, तो एसडीएम भी यहाँ पर आ गए हैं और चूंकि भीड़ है तो लोगों की कोशिश की जा रही है लोगों के द्वारा और उनके प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा कि भीड़ को नियंत्रित किया जाए और यही कोशिश इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर जिला प्रशासन के लोग आएंगे तो लोगों से अपील करेंगे कि कैसे कोरोना काल में यहाँ पर पूजा को सही तरीके से संपन्न कराया जाए। सीधे एसडीएम से हम रूबरू होते हैं। सर बताइए, अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं काफी जगहों पर आपने देखा होगा, कहीं ऐसा लग रहा है कि कोरोना पर आस्था अभी है? नहीं, अभी मैं दो चार पंडालों को देख के आया हूँ और देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि जितने पंडाल समितियाँ हैं अपने से बहुत बेहतर करने का प्रयास किया है कि लोगों को बहुत कम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगा के आए हुए हैं और अधिक बहुत कम से कम लोग आए हुए हैं। तो मैं सारे कमेटी को अपनी तरफ से बहुत बहुत इस काम के लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि जिला प्रशासन की बात को इन्होंने माना है। आस्था है, आस्था थोड़ी सी भारी ही रही है लेकिन आस्था के साथ लोगों ने भी इस चीज़ को समझा है कि हमें उसी के हिसाब से घरों से बाहर निकलना और अपने नियम कानूनों के साथ निकलना है। कल जैसे कि विसर्जन होना है और तो विसर्जन के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया? विसर्जन के लिए हम लोगों ने सारे पंडाल समितियों को अपना गाइडलाइन बता दिया है कि कैसे विसर्जन करना है, कितने लोगों को विसर्जन के लिए जाना है, स्थल चिन्हित किए जा चुके हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी पूजा में जिस तरह के पूजा पंडाल कमेटी के सदस्यों ने हम लोगों को बढ़ चढ़कर मदद किया है इस प्रशासन को कि जो जिला प्रशासन ने कहा है उनको इन लोगों ने लागू करवाया, मुझे लगता है कि विसर्जन में भी इन लोगों के द्वारा उसी तरह का दिशा निर्देश को फॉलो किया जाए। और देखने को मिला जिस तरह से सड़कें स्मूथ है इस बार, कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी सुदृढ़ दिख रही है, तो क्या लग रहा है कि लोग घर से नहीं निकले इसकी वजह से सड़कें सुदृढ़ है या फिर पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है? नहीं, पुलिस की व्यवस्था तो हमेशा पहले की जैसा ही चुरुस दुरुस रही है, हम लोगों ने बेहतर करने का ही प्रयास किया और उससे अच्छा करने का प्रयास किया है। वो तो फैक्टर रहा है कि हम लोगों ने अपने तरह से बहुत बेहतर किया है, लोग तो थोड़े बहुत कम निकले हैं तो उसका हम लोगों को अभी ट्रैफिक में फायदा हुआ है और हम लोगों का यही विशेष भी था कि लोग घरों में पूजा करें, बहुत कम से कम लोग हैं लेकिन आस्था है तो आस्था को थोड़ा सा हम लोगों ने लिबर्टी भी दिया, सरकार ने भी लिबर्टी दे के रखा है तो बेहतर बहुत ढंग से इस बार हम लोगों ने पूजा को यहाँ पे सेलिब्रेट कराया। तो एसडीएम सुरेंद्र कुमार हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। सीधे एक बार फिर से हम कुछ दर्शकों की तरफ एक बार फिर से चलते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए मैम, यहाँ पर आप लोग माता के दर्शन करने आई हुई है, इस बार मेला का आयोजन नहीं हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत ही सुना सुना लग रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है घूमने में, लग रहा है लॉन्ग ड्राइव है, दुर्गा पूजा तो आई ही नहीं है। माता से क्या आप लोग आग्रह कर रही है? बस कोरोना खत्म हो जाए, किसी तरह से कोरोना खत्म हो जाए, सब सुरक्षित रहे। बिल्कुल, आप बताइए क्या मन्नत मांग रही है माता से? मन्नत तो यही मांगते हैं कि कोरोना तो खत्म हो ही हो, साथ साथ इतना जो अभी चल रहा है दुनिया भर में क्राइम चल रहा है उसका भी माँ खात्मा करे और हम लोगों को यही आशीर्वाद दे कि गलत चीजों के प्रति आवाज उठा सके, लड़कियाँ खासकर। बिल्कुल, आज के दिन में कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है, पूरे 9 दिनों तक माता की आराधना की जाती है, बेटियों की पूजा की जाती है और इसके बाद लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो क्या अपील करेंगे समाज के लोगों से आप? यही समाज से अपील करूंगी कि जैसे भी लड़कियों को आज पूजा करें, जिंदगी भर लड़कियों को उसी तरह इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए ताकि वो आपके ही घर को कुल को बढ़ाए, उनको उनको उसी उचित सम्मान, ना कि उनको अपने पैरों की जूती समझे, ठीक है? हाल के समय में जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि अब खुलकर बोलने की आवश्यकता है? एकदम बोलने की आवश्यकता, आज नहीं हमेशा से बोलने की आवश्यकता है, लड़कियां नहीं आवाज उठाती इसीलिए क्राइम बढ़ते जाता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। ये 9 दिन हम नारी शक्ति की ही पूजा करते हैं, अलग अलग शक्ति रूपों की हम पूजा कर रहे हैं और उसके बाद नारी के लिए ही अपराध बहुत ज्यादा नारी के प्रति बढ़ जाता है। समाज को ये सोचना होगा कि अभी आप नारी शक्ति की पूजा कर रहे हो और बाद में उसी नारी को प्रताड़ित कर रहे हैं किसी भी रूप में। अनी के पास चलते हैं। अनी, धनबाद में भी आपने देखा ये महिलाओं के दिल में है, जो लगातार इधर घटनाएं घट रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, 9 दिनों तक नारी शक्ति की पूजा हम कर रहे हैं और उसके बाद नारी को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, इस पर वहां पर अगर मौजूद है भक्त लोग, नारी महिला कोई मौजूद है उनसे पूछिए। माँ की सभी पूजा करते हैं लेकिन क्या वो दर्जा समाज में मिलता है महिलाओं को? बिल्कुल आशिया, ये तो बड़ा सवाल एक है ही, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं तो बड़ा विरोधाभासी लगता है कि एक तरफ हम देवी के रूप में पूजा करते हैं महिलाओं की और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि छोटी से छोटी बच्ची
बड़ी से बड़ी महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे किसी भी तरह की प्रताड़ना हो, दुष्कर्म की घटना हो, हत्या की घटना हो, दहेज से जुड़ा मसला हो, तमाम चीजों को हम देखें तो हम आगे बढ़ने की बजाय और पिछली सदी में जा रहे हैं, बल्कि पिछली सदी ज्यादा सही लगती है कि कम से कम महिला इतनी ज्यादा असुरक्षित नहीं थी। तो ये नहीं होना चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि कुछ महिलाओं से बात करने की। मैम जरा इधर आइएगा, एक छोटी सी बच्ची को लेकर एक महिला, उनसे हम बात करते हैं। ये भी एक बेटी की माँ है, मास्क पहन रही है वो हमारे पास, अभी 2 सेकंड में आती है हमारे पास, उनसे हम बात करते हैं कि क्या सोचती है इस विषय पर। मैम ये जो 9 दिन पूजा होती है देवी के रूप में, हम एक तरफ माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, बच्चियों को हम कन्या पूजन करते हैं, दूसरी तरफ छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है और महिलाओं के साथ भी जो घटनाएं हो रही है, क्या कहेंगे, ये कितना दुखद लगता है? बहुत ही दुखद है ये, हिपोक्रेसी बोल सकते हैं कि एक तरह से हम लोग माँ को इतना पूछते हैं और फिर दूसरी तरह जो औरतों के साथ जो भी होता है, औरतें क्या बच्चे, ये सोच है और ये सोच पता नहीं चलता अच्छे कपड़ों के पीछे लोगों की सोच कैसी है क्या है, उसको मारना चाहिए, रावण रूपी सोच विकसित सबको इस तरह की सोच से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत आशिया देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये अच्छे कपड़ों के पीछे इस तरह की भी सोच है ये पता नहीं चल पा रहा है और यही रावण के रूप में विकसित हो रहा है। हम जब रावण के संहार की बात करते हैं तो दरअसल वो एक सांकेतिक है, ऐसा नहीं कि एक पुतला बना दिया और रावण को मार दिया, जिस रावण को मारते हैं देखिए वो उस युग में भी सीता से पूछता था जाकर, यानी वो जबरदस्ती नहीं कर रहा था, वो पूछता था। और आज ये कैसा युग आ गया कि आज इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो रावण तो कुछ भी नहीं था, जो आज के रावण है वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं था। तो हमें उन वृत्तियों का नाश करना है जो इस तरह से पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं इस पर जाना होगा, इस पर अनुसंधान करना होगा, सिर्फ पुलिस या सरकार के भरोसे नहीं होगा, ये समाज को भी करना होगा, समाज को अपनी बुराई खत्म करनी होगी। विजयादशमी पर यही संकल्प लोगों को लेना चाहिए। अजय आप भी हमारे साथ जुड़े हुए, अजय का रुख करते हैं। अजय आज महानवमी के साथ ही विजयादशमी भी है और ये एक प्रतीक है ये त्योहार, विजयादशमी का त्योहार, कि हम बुराई का अंत कर रहे हैं और अच्छाई की जीत होती है, लेकिन जो लोगों के मन में रावण है, जो बुरे विचार है, जो बुराई है, उसका खात्मा कब होगा? बिल्कुल आशा, देखिए आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है और कहा भी ये जाता है कि यदि नजरों में ईमानदारी हो तो पर्दे की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी नजरें ऐसी होनी चाहिए जिसमें ईमानदारी छिपी हो, यदि इंसान के पास ऐसा चीज आ जाए तो किसी भी पर्दे की जरूरत नहीं पड़ती है। और भगवान श्री कृष्ण भी जब धरती पर द्वापर युग में मानव रूप में आए थे तो उन्होंने यही संदेश दिया था कि मनुष्य के पास जो ज्ञान इंद्रिय है, जो इंद्रिया है, उस पे यदि आपने काबू पा लिया तो आप समझ लीजिए कि आप स्वर्ग के अधिकारी हो गए, यानी कि आँख नाक कान मुंह तमाम जो 5 इंद्रियों के बारे में चर्चा की जाती है, यही कहा जाता है कि मन जो है, इस मनुष्य का जो मन है वो सबसे बड़ा एक प्रकार से कंट्रोलिंग पावर उसके पास है। यदि आपने अपने इंद्रियों पर काबू कर लिया तो फिर कहीं से किसी प्रकार की दुस्साहस की घटना नहीं होगी, किसी नारी के प्रति कोई अपमानजनक चीजें नहीं होंगी। और इस वक्त ध्रुवा में पंचवटी दुर्गा पूजा समिति के पास मैं एक ऐसे भक्त से आपको मिलवा रहा हूँ जिन जो दिव्यांग है, कैसे हुआ क्या हुआ, बावजूद इसके ये बैसाखी के सहारे माँ दुर्गा की प्रतिमा को देखने आए, आस्था इसी को कहते हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रही थी कि कैसे मानव समाज धरती पर पाप का नाश हो, कैसे अपराध कम हो, सबसे पहले आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप इस अवस्था में भी दुर्गा माँ के आराधना के लिए पंडाल तक आए। जी न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ, दुर्गा पूजा के समस्त अवसर पर समस्त देशवासियों का धन्यवाद देता हूँ। एची से ध्रुवा क्षेत्र प्रांगण में पंचवटी मैदान में सबसे अच्छा दुर्गा माँ का ये हुआ आपके साथ? ये हमारे साथ 20 मई 1995 को ट्रेन एक्सीडेंट में ये घटना घटा। ट्रेन में इनका देखेंगे बाएं तरफ का हाथ और बाएं पैर एकदम से नहीं है, बावजूद इसके माँ के प्रति आस्था में कभी कोई कमी आई? कोई कमी नहीं है, माँ का कृपा है समो पर। देखिए इसी धर्म की स्थापना के लिए द्वापर युग में
भगवान श्री कृष्ण ने मानव स्वरूप लिया था कि धर्म की स्थापना। आपका क्या नाम है सर? हरिनंदन प्रसाद। हरिनंदन प्रसाद जी 95 में एक ट्रेन हादसे में अपना बाएं पैर और बायां हाथ दोनों गंवा चुके थे, लेकिन माता के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं आई जी। और यही पहुंच रहे हैं, अजय लौटेंगे अजय आपके पास, क्योंकि वक्त भी कम है। ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, जगह जगह से जो तस्वीरें हैं, लोग बस इसी मन्नत, इसी कामना के साथ आ रहे हैं कि भगवान मां कोरोना को खत्म करे और फिर से उनकी जिंदगी पहले जैसी हो जाए। अगर आप भी कुछ और भक्त के पास जाना चाहे जा सके तो उनसे पूछिए इस बार क्या मन्नत है वो मांग रहे हैं। ऋषिकेश, ऋषिकेश आपकी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। धनबाद से सहयोगी राजकुमार है, उनका रुख करते हैं। राजकुमार, यहां पर गाइडलाइंस सही तरीके से फॉलो हो रहा है नहीं, इसके लिए एसडीएम भी खुद पंडाल में पहुंचे थे, लेकिन आज चूंकि महानवमी का दिन है, आखिरी दिन है पंडालों में भ्रमण करने का, दर्शन करने का मौका, का लोग फिर भी पहुंच रहे हैं। क्या पूजा समितियां एक्टिव नजर आ रही हैं ताकि कोरोना जैसी महामारी का प्रसार ना हो सके? अभी हमारी बात एसडीएम से हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पूजा समितियों ने भरपूर सहयोग किया है जिला प्रशासन का, और कहीं से भी ऐसा नहीं लगा है कि उनके तरफ से कहीं से भी किसी तरह की कोई लापरवाही बरती गई हो। और जिला प्रशासन ने जिस तरह की अपील की थी, पूजा समिति ने अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया है। हालांकि जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है पंडालों की ओर, लोग जानते हैं कि हो सकता है कि शायद अच्छा बना हो लेकिन कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया हो, लेकिन वास्तविकता इस बार की यही है कि कहीं पर भी उस तरह का कोई थीम विशेष पर पंडाल नहीं बनाया गया, ना ही मां की प्रतिमा वैसी बनाई गई जिससे कि लोगों को आकर्षित होने का मौका मिलता। बावजूद लोगों की जो ये जो आस्था की सैलाब है, कहीं ना कहीं इसलिए है कि लोग यह सोच रहे हैं कि यहाँ पर अधिक से अधिक अगर पहुंचेंगे तो माता का दर्शन जो जिस स्वरूप में भी होगा वो करने में सफल होंगे। कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं बच्चों को लेकर के, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। रुकिए मैम, रुकिए, आप माता के दर्शन करने के लिए आई हुई है, ये बताइए कैसा लग रहा है इस बार, चूंकि बहुत नीरस पूजा ऐसा सुनने को मिल रहा है। कोरोना काल के कारण ये मूर्ति बहुत छोटे स्थापने के, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है, इसलिए चलिए राजकुमार, तो आस्था में कमी नहीं है और इसी आस्था के साथ लोग मां के दर पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, अब चूंकि वक्त हमारे पास नहीं है, अजय आपका भी शुक्रिया, अनियमृता आपका शुक्रिया, ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़े रहे, पटना से तस्वीरें दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अब इस बुलेटिन के आखिर में एक बार फिर से आप सभी को महानवमी और विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।